नमस्ते दोस्तों, आज हम आपको गणेश स्थापना की खूबसूरत यात्रा पर ले चलते हैं। ये वो खास समय होता है जब पूरा भारत अपने घरों में गणेश जी का स्वागत करता है। तैयारियां, उत्साह, सब कुछ कितना रोमांचक होता है। सोचिए, सुबह सुबह पूरा परिवार उठ चुका है, घर में चहल पहल है, अगरबत्ती की खुशबू हवा में है और गणपति बप्पा मोरया के गूंज हर कोने में सुनाई देते हैं। भगवान गणेश की मूर्ति को बड़े ही श्रद्धा और प्यार से स्थापित किया जाता है। सबकी आंखें खुशी और आस्था से चमक रही हैं। पूजा शुरू होती है, मंत्र पढ़े जाते हैं, फूल चढ़ाए जाते हैं और पूरा घर धन्य हो जाता है। ये समारोह बहुत ही मनमोहक होता है और आप कमरे में एक दिव्य उपस्थिति महसूस कर सकते हैं। पूजा के बाद बहुप्रतीक्षित प्रसाद का समय आता है। मोदक और मिठाइयां बांटी जाती हैं और संतुष्टि और खुशी का एहसास होता है। लेकिन फिर कुछ होता है। पूजा खत्म होती है और अचानक सब अपने अपने फोन पकड़ लेते हैं। इंस्टाग्राम स्टोरीज अपडेट करनी है, गणपति बप्पा के साथ सेल्फी पोस्ट करनी है और हंड गणेश चतुर्थी और धनधाय फैमिली टाइम जैसे हैशटैग फीड में भर जाते हैं और बस यूं ही हंसी, बातें, आपसी जुड़ाव सब गायब हो जाता है। सब अपने कमरों में चले जाते हैं, अपनी स्क्रीन में खोए हुए, एक दूसरे से मिलना जुलना नहीं, कोई साझा पल नहीं। कितनी विडंबना है ना? जो त्योहार परिवारों को करीब लाने वाला है वही उन्हें दूर करने का कारण बन जाता है। गणेश स्थापना सिर्फ पूजा पाठ के बारे में नहीं है, ये एक साथ होने, यादें बनाने और पारिवारिक रिश्तों को मजबूत करने के बारे में है। सोशल मीडिया की भागदौड़ के बीच इसे न भूलें। तो अगली बार जब आप गणेश स्थापना मना रहे हो तो अपना फोन थोड़ी देर के लिए नीचे रख दें, बातचीत करें, कहानियां सुनाएं सुनाएं और वो अनमोल यादें बनाएं जिन्हें आप हमेशा संजो कर रखेंगे। आखिरकार त्योहार इंस्टाग्राम के लिए नहीं होते, ये परिवार के लिए होते हैं। देखने के लिए शुक्रिया और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। गणपति बप्पा मोरया।